मोस्टली आप लोगों ने सुना है कि एड्स देखो और अर्निंग करो, लेकिन उन एड्स को देखने के लिए आपके पास रियल प्लेटफॉर्म होना चाहिए। ऐसा प्लेटफॉर्म होना चाहिए जो एड्स के बदले में आपको रियल एंड जेन्युइन अर्निंग दे सके। तो बहुत सारी सर्च के बाद आपके लिए आज एक ऐसी ही वेबसाइट लेकर आया हूँ जिस पर अगर आप एड्स देखोगे तो आपको रियल में अर्निंग देंगी, आपको 100% रेवेन्यू मिलेगा। कौन सी वेबसाइट है, वहाँ पर आपने अकाउंट कैसे बनाना है, एड्स कैसे देखनी है, सारी चीज़ें डिटेल से आज की वीडियो में बताऊंगा, आपको करके दिखाऊंगा। तो उसके लिए चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पर। आपने यहाँ किसी भी किस्म की इन्वेस्टमेंट नहीं करनी, फ्री ऑफ कॉस्ट हम काम करने वाले हैं। मूव करेंगे लैपटॉप की स्क्रीन पर, उससे पहले आपको बताता चलूँ मेरा नाम है गुलाम मुस्तफ़ा, आप देख रहे हैं GM अर्निंग ट्रिक्स यूट्यूब चैनल, जहाँ पर आपको ऑनलाइन अर्निंग से रिलेटेड रियल मेथड बताए जाते हैं, रियल स्किल सिखाए जाते हैं, रियल प्लेटफॉर्म बताए जाते हैं। अगर तो आप इंटरेस्टेड हैं फौरन से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल के आइकन पर क्लिक कर दें, मैक्सिमम वीडियो को शेयर कीजिएगा। तो मूव करते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पर, सीखते हैं आज का काम, लेट्स गो। ओके, तो हम आ चुके हैं लैपटॉप की स्क्रीन पर। फर्स्ट ऑफ ऑल गूगल क्रोम पर आकर आपने लिखना है moneyonlinepk.com। तो ये देखें, जैसे ही आपके सामने मैंने लिखा है तो ये पहली ही वेबसाइट मेरे पास आ जाएगी, moneyonlinepk.com। आपने इसे ओपन कर लेना, ये देखें इस तरह का इंटरफेस आपके पास आ जाएगा। ये ऐसी वेबसाइट है जहाँ पर आपको ऑनलाइन अर्निंग से रिलेटेड बहुत सारे मेथड स्किल मिल जाएंगे, बहुत सारी वेबसाइट्स ऑनलाइन अर्निंग से रिलेटेड आपको मिल जाएंगी। हमने किस वेबसाइट पर काम करना है उसके लिए ये देखें, यहाँ पर आपको सर्च बॉक्स नज़र आ रहा है, यहाँ पर आकर आपने लिखना है Neobux, न्यू मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ, Neobux.com, ठीक हो गया। जैसे ही आप लिखेंगे उसके बाद आपने सर्च पे क्लिक कर देना है। सर्च पे क्लिक करेंगे तो ये देखें एक नया इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा, और ये देखें इसी वेबसाइट से रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन यहाँ पर नज़र आ रही है। इस वेबसाइट पर हम काम करेंगे, इसी पर हम एड्स देखेंगे, और ये देखें ये वेबसाइट का इंटरफेस है, ठीक हो गया। हम क्या करेंगे, एंड पर मुझे वेबसाइट का एक लिंक मिल रहा होगा जिससे मैं ओपन करने जा रहा हूँ, ठीक हो गया। हम स्क्रॉल डाउन करते जाएंगे, ये देखें मैं नीचे मूव कर रहा हूँ, और ये देखें यहाँ पर वेबसाइट लिंक की ऑप्शन मिल रही है, क्लिक हेयर पे आपने क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे ये देखें इनकी एक ओरिजिनल वेबसाइट ओपन हो जाएगी Neobux के नेम से, ठीक हो गया। ये देखें यहाँ पर डिफरेंट कंट्रीज में ये वेबसाइट काम कर रही है, आपको नज़र आ रहा है। अब हमने क्या करना है, यहाँ पर सबसे पहले हमने रजिस्ट्रेशन करवानी है। रजिस्ट्रेशन कैसे करेंगे, ये देखें यहाँ पर आप ऑप्शन नज़र आ रही है रजिस्टर की, आपने इस पर क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक करेंगे इस तरह का इंटरफेस आपके सामने ओपन हो जाएगा, ठीक हो गया। अब हमने क्या करना है, सबसे पहले हमने यहाँ पर अपना यूज़र नेम लिखना है। ये देखिए मैं आपके सामने यूज़र नेम डाल लेता हूँ, नीचे आपने एक स्ट्रॉन्ग सा पासवर्ड लिख लेना है। हम जल्दी से यहाँ पर पासवर्ड लिखेंगे, नीचे वो क्या कह रहा है कि पासवर्ड कन्फर्मेशन, अगेन आपने वही पासवर्ड रिपीट में लिख देना है, ठीक हो गया। उसके बाद वो कह रहा है कि यहाँ पर अपना ईमेल एड्रेस दे दें, नीचे वो कह रहा है कि अपना रेफर कोड यहाँ पर लिख दें। तो यहाँ पर अगर तो आपके पास रेफर कोड अवेलेबल है तो लिख दें, नहीं तो आप कोई डिजिट्स भी यहाँ पर डाल सकते हैं, ठीक हो गया। या मैं यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5 ही डाल देता हूँ, ठीक हो गया। उसके बाद नीचे वो क्या है, बर्थ ईयर अपना सिलेक्ट करें, मैं यहाँ पर बर्थ ईयर सिलेक्ट करूँगा। वेरिफिकेशन कोड आपके सामने जो लिखा हुआ है आपने सेम एज इट इज़ यहाँ पर डाल देना है, ठीक हो गया। ये देखें मैंने वेरिफिकेशन कोड भी लिख दिया। उसके बाद टर्म्स एंड कंडीशन पे आपने यहाँ से क्लिक कर देना है, और आपने कंटिन्यू पे यहाँ से क्लिक कर देना है, ठीक हो गया। अच्छा, वो हमें कह रहे हैं कि ये यूज़र नेम ऑलरेडी अवेलेबल है, अपना कोई डिफरेंट सा यूज़र नेम यहाँ पर सिलेक्ट कर लें। फॉर एग्जाम्पल मैं यूज़र नेम को चेंज कर देता हूँ, अगेन मैं रेफर कोड यहाँ पर लिख देता हूँ। उसके बाद वेरिफिकेशन कोड अगेन हम यहाँ पर डाल देते हैं, ये देखें YUN, ठीक हो गया। उसके बाद टर्म्स एंड कंडीशन पे मैं अगेन क्लिक करूंगा और कंटिन्यू पे यहाँ से क्लिक कर दूंगा। ओके, तो नेक्स्ट वो हमें कह रहे हैं कि वी हैव सेंड यू एन ईमेल कंफर्मेशन टू द ईमेल एड्रेस यू प्रोवाइडेड। अब हमें क्या करना होगा, अपनी ईमेल आईडी पर जाना होगा। ये देखें मैं जीमेल मैंने ओपन कर ली है, यहाँ पर Neobux की मेरे पास ईमेल आ चुकी है। तो ये देखें वेलकम टू Neobux, और ये मेरे पास कोड उसने सेंड किया है। मैं इस कोड को एज इट इज़ यहाँ से कॉपी कर लूँगा और वापस आऊँगा। ये देखें यहाँ पर वेरीफिकेशन कोड मैंने डाल देना है। उसके बाद वेरीफिकेशन कोड MCNUU मैं यहाँ पर लिख दूंगा, और उसके बाद फिनिश रजिस्ट्रेशन पे मैंने क्लिक कर देना है। तो ये देखें कॉन्ग्रेचुलेशंस, यू आर नाउ अ मेंबर ऑफ Neobux, हमारा अकाउंट यहाँ पर बन चुका है, अब हम यहाँ पर लॉगिन कर लेंगे। ओके, तो मैंने यूजर नेम डाल दिया और पासवर्ड लिखने के बाद ये देखें मेरा अकाउंट यहाँ पर लॉगिन हो चुका है, ठीक हो गया। और ये देखें हमारा ये इंटरफेस आ चुका है। अब हमने यहाँ पर क्या करना है,
यहाँ पर हमने एड्स देखनी है और उससे अर्निंग करनी है। उसके लिए ये देखें, यहाँ पर व्यू एडवर्टाइजमेंट की ऑप्शन मुझे नजर आ रही है, मैं इस पर क्लिक कर दूंगा। जैसे क्लिक करूंगा ये देखें फिक्स्ड एडवर्टाइजमेंट मेरे पास नजर आ रही है, ठीक हो गया। और ये देखें एक एड अगर आप देखेंगे तो आपको 0.001 प्लस पैक अर्निंग होने वाली है। इसी तरह ये देखें डिफरेंट एड्स आपके पास अवेलेबल हैं, आप इन एड्स को देखोगे और इससे आपको अर्निंग होगी। एड आपने कैसे देखनी है ये देखें, मैं इस पर क्लिक करूंगा। उसके बाद वो कह रहा है क्लिक द रेड डॉट, आप रेड डॉट पे क्लिक कर देंगे, ठीक हो गया। इस तरह आपके पास ये देखें एक नई एड चल चुकी है, ठीक हो गया। ये ऐड चलेगी और इस एड से आपको अर्निंग होने वाली है, ठीक हो गया। इसी तरह हम बैक मूव करते हैं, ये देखें बैक मूव करेंगे और ये देखें ये सेकंड वाली एड है, विन फ्री बिटकॉइंस एवरी और, ये देखें मैं इस पर क्लिक करूंगा, रेड डॉट पे क्लिक करूंगा और ये देखें मेरे पास एक और एड यहाँ पर चलना स्टार्ट हो चुकी है, ठीक हो गया। इस तरह आपने यहाँ पर एड्स देखनी है। और अगर मैं इसे अकाउंट को रिफ्रेश करूँ तो ये देखें यहाँ पर मेरे पास 0.001 अर्निंग, ये भी आपकी अर्निंग साथ साथ ऐड होती रहेगी, ठीक हो गया। एक ऐड है मैंने कंप्लीट कर ली थी, अब सेकंड ऐड को मैंने यहाँ पर प्ले कर दिया है। इस तरह जितनी एड्स आप देखेंगे उतनी ज़्यादा आपको यहाँ पर अर्निंग होती रहेगी। इसी तरह अगर मैं एक और ऐड पर यहाँ से क्लिक कर दूँ, ये देखें ये एक और ऐड मेरे पास यहाँ पर चल पड़ी है। जैसे ये ऐड कंप्लीट होगी इसकी भी अर्निंग आपके अकाउंट में ऐड कर दी जाएगी, ठीक हो गया। अगेन मैं आपको रिफ्रेश करके दिखा दूँ, ये देखें मेरे पास 0.002 डॉलर अर्निंग हो चुकी है, ठीक हो गया। दो एड्स हम कंप्लीट देख चुके हैं। इस तरह आप डिफरेंट एड्स देखोगे, जैसे ही एड कंप्लीट होंगी अगेन रिफ्रेश करेंगे आपके पास न्यू एड्स भी आ जाएंगी, ठीक हो गया। योर एडवर्टाइजमेंट क्लिक से रीसेट एड 15, यानी कि हर 15 मिनट के बाद आपकी एड्स रिफ्रेश हो जाएंगी, आपको मजीद न्यू एड्स यहाँ पर मिल जाएंगी, ठीक हो गया। इसी तरह ये नीचे भी आपको एड्स नजर आ रही हैं, ठीक हो गया। एक तो ये मेथड हो गया कि आप एड्स देखकर यहाँ पर अर्निंग कर सकते हो, लेकिन आपने नोट भी किया होगा ये अर्निंग थोड़ी सी स्लो है, ठीक हो गया। उसके बाद हम फर्दर मूव करते हैं, ये आपको सर्वेज की ऑप्शन मिल रही है और ये देखिए आपके सामने सर्वे इनविटेशन, ठीक हो गया। ये हमारे पास डिफरेंट सर्वेज हैं, 32 मिनट का सर्वे और 0.2 डॉलर इसकी अर्निंग है, ठीक हो गया। 14 मिनट का 0.17 डॉलर इसकी अर्निंग है। इसी तरह ये देखिए आपको बहुत सारे सर्वेज यहाँ पर नजर आ रहे हैं, जैसे ही आप इनको कंप्लीट करेंगे आपकी अर्निंग यहाँ से भी होगी। और ये डेली सर्वेज हैं, ये थोड़ा सा टाइम लेते हैं, टाइम टेकिंग सर्वेज हैं, लेकिन इनकी अर्निंग थोड़ी सी बेटर है, ठीक हो गया। आप ये सर्वेज करके भी यहाँ से अर्निंग कर सकते हैं। और ऑप्शन अगर हम देखें तो ये देखें थर्ड ऑप्शन मेरे पास गेम्स की अवेलेबल है, ये देखें आप यहाँ पर गेम्स खेल के भी अर्निंग कर सकते हैं, लेकिन अगेन गेम्स की अर्निंग यहाँ पर थोड़ी सी स्लो है। उसके बाद हम फर्दर मूव करें, ये देखें डिफरेंट ऑफर्स भी मेरे पास यहाँ पर अवेलेबल होंगी, आप उनको भी अवेल कर सकते हो। ये देखें रिफ्रेश हो रहा है और यहाँ पर डिफरेंट ऑप्शन को यूज़ करते हुए भी आप अर्निंग कर सकते हो। इस तरह कॉइन्स हैं, ये ऑप्शंस भी आप अवेल कर सकते हो, जो कॉइन्स आप अर्न करोगे उनको डिफरेंट जगह पर यूटिलाइज करके भी आप यहाँ पर अर्निंग कर सकते हो। लेकिन मेन चीज़ जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो एडवर्टाइजमेंट है, सर्वेज हैं और गेम्स है, लेकिन सर्वेज से थोड़ी अर्निंग आपको बेटर होने वाली है, ठीक हो गया। ये वेबसाइट है और ये देखें मेरी थर्ड एड भी कम्प्लीट हो चुकी है और 0.003 डॉलर मेरे अर्न हो चुके हैं, ओके। तो इस तरह आपने इन साइट्स पर काम करना है, लेकिन इसे अपने कैरियर का हिस्सा बिल्कुल भी नहीं बनाना, क्योंकि यहाँ पर अर्निंग बहुत ज़्यादा स्लो होने वाली है। आप पार्ट टाइम इसे रख लें, यहाँ पर थोड़ी थोड़ी अर्निंग आप इस कर सकते हैं, लेकिन इसे अपने कैरियर का हिस्सा नहीं बना सकते। तो उम्मीद है आपको समझ आ चुकी होगी इस वेबसाइट पर आपने अकाउंट कैसे बनाना है, एड्स कैसे देखनी है, उसके बाद आप सर्वेस और गेम्स खेल कर भी यहाँ से अर्निंग कर सकते हो, ओके। तो वेबसाइट मैंने आपको बता दी जहाँ पर आप एड्स देखोगे और अर्निंग करोगे, लेकिन एक चीज़ आपने नोट की होगी, यहाँ पर जो हम अर्निंग करते हैं एड्स देखकर सर्वेस करके, उसकी अर्निंग बहुत ज़्यादा माइनर होती है, बहुत कम अर्निंग है। तो मेरी आपको सजेशन ये होगी कि आप एड्स के पीछे भागने की बजाय स्किल्स पर फोकस करो, ब्लॉगिंग सीखो, यूट्यूब चैनल ओपन करो, इन चीज़ों को सीखो और जो आपको मैक्सिमम रेवेन्यू दे सकती हैं, आपका फ्यूचर संवार सकती हैं। एड्स ज़रूर देखें, माइनर अर्निंग करें, लेकिन फोकस करें स्किल सीखने पर। मेरे यूट्यूब चैनल पर बहुत सारे स्किल्स आपको सिखाए गए हैं, बहुत सारी आपको ऐसे ट्रिक बताए गए हैं जिनको सीखने के बाद आप मैक्सिमम अर्निंग कर सकते हो। तो वो वीडियोस लाजमी देखें, वो स्किल्स आप लाजमी सीखें, उनको सीखकर अपने कैरियर का हिस्सा बनाएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए अर्निंग टॉपिक के साथ, एक नए अर्निंग ट्रिक के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। जाने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल के आइकन पर क्लिक कर दें, वीडियो को मैक्सिमम शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।